ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं सुझावों पर। जी मेरा ये सुझाव है कि जो इस चिकित्सा व्यवस्था को लेके जो व्यवस्थाएं बिगड़ती है और मौसम के कारण बिगड़ती है, मौसम परिवर्तन होता है उस टाइम बिगड़ती है, इस दरमियान हम खुद अवेयर होएं और 10 आदमी को और अवेयर करें। और जो जो देखो, एक देश का प्रधानमंत्री भी स्वच्छता को लेके, अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, देश का प्रधानमंत्री कोई एक विजन लेके आता है लेकिन लाल किले से पहली बार अगर कोई बोलता है तो स्वच्छता के लिए और शौचालय बनाने के लिए बोलता है। तो ये बहुत एक अवेयरनेस वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का और सुरक्षा का ये मुद्दा सब छोड़ के जब स्वस्थ होगी पब्लिक, जब भी तो सुरक्षा होगी और जब भी अन्य कार्य होंगे तो स्वच्छता को लेकर स्वच्छता का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी आगे, जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद समझने लगेगा, खुद शिक्षित होगा, अपने आसपास के व्यक्तियों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित करेगा, तो हम स्वयं बचेंगे बीमारियों से। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, जो उनकी इतनी ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, उससे वो भी थोड़ा रिलैक्स होंगे और सबको एक समुचित रूप से उपचार मिलेगा, उपचार मिल पाएगा। जी आगे से और सुझाव। जी सर, पीपल्स जो हैं, कम्युनिटी है, वो तो अवेयर हुई हो, साथ में जो अपने मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं और जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए जो एंटीबायोटिक एंटीटॉक्सिन्स वगैरह जो ये अलॉट करते हैं उसका पहले से प्रीवियस प्रिपरेशन रखें, स्टॉक रखें, प्रिपरेशन रखें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सरकार ने निःशुल्क जाँच योजना चला रखी है, इसमें आगे चलाने के लिए सरकार को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए नए नए टेक्नीशियनों की भर्ती करनी होगी, जैसे कि सरकार ने इस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए बाकी PPP मॉडल पे दे दिया है गणगौरी हॉस्पिटल को, जयपुरी हॉस्पिटल को, तो ये एक शर्म की बात है कि सरकार इसकी क्वालिटी को गिरा रही है। कर्मचारी अब सुझाव केवल। जी सरकार को जैसे ही बारिश खत्म होती है तो हॉस्पिटलों में एक्स्ट्रा वार्ड वो बनाना चाहिए, उनको वार्ड बेडों की एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था करनी चाहिए, नगर निगमों को पाबंद करना चाहिए कि वो बारिश खत्म होते जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है या कचरों के कचरा जो इकट्ठा होता है जिससे मच्छर वगैरह उसका लावा पनपता है, तो उनको वहाँ पे वह दवाई वगैरह छिड़के वो इस चीज़। ये नगर निगम। डॉक्टर श्याम सुंदर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपना खुद का बचाव भी करना चाहिए, जैसे पूरे वहाँ की शर्ट पहननी चाहिए, जिससे जिस वक्त मच्छर काटते हैं तो अगर आप हाफ वगैरह पहनोगे तो मच्छर भी काटेंगे इन दिनों में, और मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए अगर बाहर सो रहे हैं, अपने कूलरों को साफ़ करके जिससे पानी नहीं भरा रहे, ऊपर अपने टायर वगैरह पड़े रहते हैं उनको भी कर देना चाहिए, ऊपर टंकियाँ होती हैं छोटी जो अब काम में नहीं आती उनमें पानी भरा रह जाता है, उनको भी साफ़ कर देना चाहिए, जिससे अगर पानी भरा रहेगा तो मच्छर पनपेंगे और मच्छरों के लार्वा पनपेंगे। चलिए डॉक्टर अजय, कोई सुझाव? जी मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जब भी अगर आपको कोई भी बुखार हो, खांसी हो, तो गूगल या इंटरनेट पे भरोसा करने से ज़्यादा स्थानीय डॉक्टर पे भरोसा करें और पूरा इलाज लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गूगल डॉक्टर ना बने। सीधे नीलम जी के पास आऊँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बीमारियों का संबंध शरीर से है, जितना बेहतर हम अपने शरीर को जानेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, और शरीर स्वास्थ्य का सीधा संबंध पेट से है, तो स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। महेश जी, आम आदमी को तो अवेयर होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही में सर जो भी एपिडेमिक होती है, वायरल बीमारियां होती है, उनका ट्रीटमेंट से कई गुना ज़्यादा अहम होता है उसका डायग्नोसिस पे, और डायग्नोसिस जब भी होगा जब राजस्थान के समस्त हॉस्पिटलों के अंदर लैब टेक्नीशियन जो डायग्नोसिस करता है उसकी जल्द से जल्द आने वाले वायरल मौसम से पहले उनकी नियुक्ति दे दी जाए। सर्वेश्वर जी। सर एक तो सबसे पहला मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को कि आपने एक आम जनता का, एक देश की गरीब जनता का, जो 90% लोग बेचारे दबे कुचले बैठे हैं, उनकी जनता को आपके मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश में दिखाया जाएगा, उसके लिए आप तहे दिल से साधुवाद के पात्र हैं। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा एज ए फार्मासिस्ट होने के नाते कि जो दवाइयों की क्वालिटी है सरकार स्पेशली उस पर सख्ती से निर्णय ले, कहीं भी अगर पाई जाती है तो आजीवन, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सर, नकली दवा पकड़ने का सीधा डायरेक्ट इम्प्रिजमेंट है, लाइफ टाइम। चलिए उस पे थोड़ी सी सख्ती अपनाई जाए, बिल्कुल सख्ती अपनाई जाए, मेडिसिन बढ़िया दी जाए। डॉक्टर दिनेश गोयल। सर हमारी दो एजेंसियों को आधुनिक कर दिया जाए और एक एजेंसी में मैन पावर बढ़ा दिया जाए, वो है मेडिकल विभाग, उसमें मैन पावर की बहुत कमी है, एक डॉक्टर पे एक कोई भी फार्मासिस्ट वर्कलोड ज़्यादा है। दूसरा, नगर निगम को हम आधुनिक बनाएं और वो बड़े सेंसिटिव उसको बनाया जाए कि ताकि ये बीमारियों से थोड़ा निजात पा सकते हैं। डॉक्टर बलबीर। मैं यही कहना चाहूँगा
कि अपने अवेयरनेस के साथ साथ जो आप कह रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया ऐसी बीमारी, मलेरिया एक अलग बीमारी है जिसमें पूरा कॉम्बिनेशन दिया जाता है, आर्टिसोनेट देंगे और क्लोरोक्विन देंगे, परंतु इन बीमारियों का अगर आप ईमानदारी से देखें तो पैरासीटामोल ही एक ट्रीटमेंट है। और आपको अचंभा होगा कि अपन चाहे SMS में इलाज करा लेंगे, केवल मॉनिटरिंग कि किसी की प्लेटलेट तो डाउन नहीं है जो कि CBC के द्वारा है, एक दिन, अदरवाइज मैक्सिमम इसमें व्यापारीकरण हो रहा है। तो डेंगू से या चिकनगुनिया से घबराना नहीं है, डेंगू और चिकनगुनिया एक वायरल जनित ऐसी बीमारी है जैसे जुकाम है, ज़्यादा बिगड़ा तो ध्यान देना है, आपके चकत्ते बन गए, आपकी प्लेटलेट 25,000 से कम है तभी भर्ती का होता है। जहाँ तक SMS के लोड का सवाल है तो हकीकत यह है कि जुकाम बांदीकुई का जुकाम का मरीज भी SMS में आ रहा है, डेंगू शब्द सुन के आ रहा है, आप अचंभा करेंगे। आप बिल्कुल जो सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने से कमर्शियल व्यापारीकरण कर रखा है। 140,000 प्लेटलेट आते ही उस पर स्टार आ जाता है, संबंधित टेक्नीशियन संबंधित डॉक्टर उसको कहते थे स्टार आ गए, भैया प्लेटलेट है, कल फिर करवाना, कल फिर बोतल चढ़ाना। जबकि इनका वायरल का सीधा सा है कि आप फ्लूड इंटेक ज़्यादा लें, आप SMS के किसी भी डॉक्टर को दिखाएं आपका डेंगू पॉजिटिव भी है और उसकी 40,000 प्लेटलेट तो भर्ती नहीं करेंगे, उसको कितना फाइनेंशियल बर्डन आपने दे दिया। बांदीकुई से वो आया, जीप लेके आया, किराया लेके आया, 5 लोगों को साथ लेके आया, परंतु समाज की और उनकी व्यवस्था में हकीकत यही है। आपकी बात बिल्कुल, मैं आलोक जी के पास आऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीष जी आपको और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तक मैं, हालांकि रोज़ाना हर तरह की बहसों में मुझे जाना होता है, लेकिन मेरे को आज एक ऐसा माहौल मिला कि आपने कम से कम एक ऐसे मुद्दे को उठाया है कि जो जनहित के लिए वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जनता को जागरूक करने के लिए। आपने मौसमी बीमारियां जिसका प्रकोप आज हम सबको नज़र आ रहा है, पूरी मीडिया इसे प्रचारित कर रहा है, लेकिन आपने उसको एक दूसरे सार्थक तरीके से उठाया। आपने यहाँ डॉक्टर्स भी बुलाए, आपने जागरूकता का भी बताया, तो ऐसा माहौल मैं सभी मीडियाकर्मी अगर इस तरह के माहौल से चलेंगे तो शायद और भी जो समाज के हित में जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जागरूकता लानी है, जैसा कि डॉक्टर बलवीर ने भी बताया कि व्यापारीकरण को भी रोकना है और आपस में एक दूसरे पे इन ऐसे मुद्दों पे आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम सबको अगर मिलजुल कर एकजुटता से और अगर हम समाज उत्थान के लिए सोचेंगे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ के सोचेंगे, तो हम इन सब चीज़ों पर काबू पा पाएंगे। अजीत जी, देखिए, मैं आपके फर्स्ट इंडिया चैनल को और इस बहस में जो भी समस्त महानुभाव सम्मिलित हुए उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी सकारात्मक और सार्थक बहस है हुई है। एक राजनेता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते और एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। इसमें दो बातें हैं, एक गवर्नमेंट के स्तर पर, एक नॉन गवर्नमेंट के स्तर पर। गवर्नमेंट के स्तर पर जैसे मैंने शुरू में कहा 3 लेवल पर काम होता है, स्वास्थ्य तंत्र का, स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण हो, पहले से हो मौसमी बीमारियों के संदर्भ में। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जनता में भ्रामक प्रचार न पहुंचे और जनता छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं और घबराकर गलत हाथों में न जाए। और तीसरा होता है रिसर्च, जिसको सरकार कुछ समय पहले एक टीम बनाकर कर सकती है। और नॉन गवर्नमेंट लेवल पर बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल विकसित नहीं है। WHO है, यूनिसेफ है, बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन है, पूरी दुनिया में बहुत काम करता है, हमारे यहाँ के उद्योगपति सरकार से मिलकर, कोई भी सरकार हो, उसमें नहीं देते आप, सारी दलाली का ही काम करते हैं, सारी सरकारी योजनाओं में पैसे कमाने का ही काम करते हैं उद्योगी घराने, जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं रहते। तो नॉन गवर्नमेंट में हमको हमारी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उनका सहयोग लेना चाहिए और जनभागीदारिता होनी चाहिए, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो या अन्य विषय को लेकर हो, जन सहभागिता जरूरी है। साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मौसम हर साल ऐसे ही आएंगे, लेकिन मौसम से पहले चेतना जरूरी है, चेतना भी जरूरी है, लोगों को बताना भी जरूरी है और अपनी तैयारी भी जरूरी है, जिससे अगले आने वाले मौसम से पहले हम ये कह सकें कि हम तैयार हैं। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।